कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पुलिस भी अपना फर्ज निभा रही है और 24 घंटे लॉकडाउन की पालना कराने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। बाड़मेर में पुलिस 3 अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी कर रही है। बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने A1 टीवी से खास बातचीत में बताया कि जिले में लॉकडाउन के बाद अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। जिले के सभी लोग पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद पुलिस किस प्रकार से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश की पुलिस सजग है, वहीं बाड़मेर की पुलिस भी लगातार सड़कों पर फ्लैग मार्च कर आम लोगों को जागरूक कर रही है। आज हमारे साथ बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर बाड़मेर की किस प्रकार की स्थिति है, पुलिस की इन दिनों किस प्रकार की कार्यशैली चल रही है। देखिए, इस समय पुलिस का जो प्राइमरी काम है वो धारा 144 और जो लॉकडाउन है उसको प्रॉपरली एनफोर्स कराना है, और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसका समाधान उसको उपलब्ध कराना है। तो हमने जितनी भी अपनी फोर्स है उसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये 24 घंटे रहना ज़रूरी है। 3 शिफ्टें बनाई हुई हैं, 3 शिफ्टों में पुलिस रहती है। जो बड़े कस्बे हैं उसमें हमने मोटरसाइकिल गश्ती दल बनाए हैं, क्योंकि जो छोटी गलियां जैसे बालोतरा में और बाड़मेर में, तो जो छोटी गलियां हैं वो मोटरसाइकिल से कवर हो सकती हैं, तो वो नियमित वो राउंड करते रहते हैं। सभी अधिकारी कभी गाड़ियों के काफिले में राउंड करते हैं, कभी इंडिविजुअली राउंड करते हैं। जो सब्जी मंडी और ऐसी जगह है, राशन की दुकान या बैंक जहां लोगों की भीड़ लग सकती है, वहां हमने उनके जो अधिकारी हैं उनको भी सेंसिटाइज किया है कि यदि लोग आए तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालना की जाए। पुलिस डिप्लॉयमेंट भी रहता है और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जिसको कोई ज़रूरत हो वो तुरंत उसको वो सामान उपलब्ध हो जाए। राशन की दुकानें, मेडिकल दुकानों के बाहर घेरे बनाए हैं ताकि लोग उनमें डिस्टेंस बनाते हुए खड़े रह सकें। उसके अतिरिक्त जो भी कानून तोड़ता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। करीबन 1000 से ज़्यादा चालान बन चुके हैं, 600-700-800 गाड़ियाँ जब्त हो चुकी है, करीब 150 से 200 के बीच में लोग हैं जिनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं, 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं, किसी ने सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया लॉकडाउन इम्पोज कराने में उसके अगेंस्ट, या सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार की रूमर चलाई उसके अगेंस्ट। तो ओवरऑल सभी फ्रंट्स पर, और फिर अगर जो नाके हैं उन पर पुलिस है जो बॉर्डर को सील कर रही है, जिले का आने जाने वालों का रिकॉर्ड रख रही है। उसके अलावा यदि कोई हमें ज़रूरतमंद या नीडी मिलता है तो किसी तो प्रशासन के सहयोग से, किसी भामाशाह के सहयोग से उसको कोई फूड और दवाइयों की उपलब्धता हो जाए, ये एक एक्स्ट्रा काम है। तो इसी प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा शेड्यूल जिला पुलिस का इसी तरह से जिस प्रकार से सर आया देखा जा रहा है, पुलिस निसंदेह इस कोरोना से लड़ने के लिए लड़ाई तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम और जो दुर्घटनाएँ हैं वो कहीं ना कहीं कम हुई है, इसके आंकड़े जरूर कुछ कमी आई है सर? डेफिनेटली सड़क दुर्घटनाएं तो ऑलमोस्ट बंद ही हैं, बहुत छोटी मोटी कोई एक आध दुर्घटना हुई है क्योंकि सब ट्रैफिक ही नहीं है। उसके अतिरिक्त सब लोग अपने घरों में हैं तो संपत्ति संबंधी अपराध बंद है, क्योंकि लोग घर सूना छोड़ के जा नहीं रहे हैं। आपस में चूंकि बाहर नहीं निकल रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा जैसी कोई मुकदमा हो नहीं रहा है। चूंकि तहसील और ये सब कार्यालय बंद हैं इसलिए 420 और जो फॉर्जरी और उस तरह के अपराध हैं वो भी कोई सामने नहीं आ रहे हैं। कोर्ट्स बंद हैं तो जो कोर्ट्स के थ्रू 156(3) में आते हैं वो अपराध नहीं आ रहे। तो एक तरह से मुकदमों की दर्ज तो बहुत ही कम हुई है। जब हम एक दिन में 25 से 30 मुकदमे दर्ज हो रहे थे, अब एवरेज 2 से 3 मुकदमे आते हैं, वो भी बहुत ही अर्जेंट नेचर के टाइप के जो होते हैं। तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अभी कमी आई है। सर आखिर में जिलेवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, जिस प्रकार से लॉकडाउन की पालना करें या धारा 144 की पालना करें, तो क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जिलेवासियों का हमें अच्छा सहयोग मिला है, एक भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, और ईश्वर की कृपा है कि एक भी पॉजिटिव पेशेंट भी अभी तक नहीं आया है, और बट वो तो खैर कभी भी आ सकता है। तो हमें अभी जब तक 14 तारीख तक लॉकडाउन है तब तक आप अपने घरों में रहें, और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालना करें। उम्मीद है हम और आप मिलकर के इस महामारी से अपने ज़िले को बचा पाएंगे। बिल्कुल, ये पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा साथ थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि सोशल डिस्टेंस की जरूर पालना करें। अशोक शेरा, बाड़मेर।